नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज 1 दिसंबर 2021 को एक प्रेस रिलीज में सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्रुप जो ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व था, उस पर एक रेड डाला गया जिसमें अनडिस्क्लोज इनकम मोर देन 500 करोड़ डिटेक्टेड, जिसमें से 72 करोड़ रुपीस है जो उन्होंने एडमिट भी कर लिया ग्रुप वालों ने, और उसमें जो 4 करोड़ का कैश भी सीज किया गया है और 9 करोड़ का जो ज्वेलरी इक्वलेंट टू वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी भी सीज किया गया है। आइए देखते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है इस सर्च एंड सीजर ऑपरेशन का। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इनिशिएट किया। ए ग्रुप एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी एंड कलर जेम्स स्टोन एट जयपुर ऑन 23 नवंबर 2021। सर्च एक्शन में 50 प्रीमाइजेस को डिफरेंट लोकेशन अराउंड जयपुर में कवर किया गया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि रफ, सेमी प्रिसाइज और प्रीसियस स्टोन इंपोर्ट होते थे अफ्रीकन कंट्रीज से एंड प्रोसेस होते थे जयपुर में। द इल ऑफ द कट एंड पॉलाइज स्टोन इज सप्रेस एंड पार्ट ऑफ इट इज सोल्ड इन कैश, कैश में उसको सेल किया जाता था, जनरेटिंग अनअकाउंटेड इनकम, उसे अनअकाउंटेड इनकम जनरेट होता था जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता था। सच अनअकाउंटेड इनकम उसके बाद डिप्लॉयड किया जाता था टू अर्न इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग कैश लोन थ्रू ए फाइनेंस ब्रोकर। फाइनेंस ब्रोकर के थ्रू कैश लोन के लिए फाइनेंस किया जाता था, फाइनेंस ब्रोकर को लोग कैश देते थे और उसके थ्रू वो फर्दर फाइनेंस करता था, उसे इंटरेस्ट लेते थे। सर्च टीम हैज सीज डॉक्यूमेंट्री एंड डिजिटल एविडेंस ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सच कैश लोन्स एंड इंटरेस्ट अर्न देयरऑन। नेचर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन एडमिटेड बाय द फाइनेंस ब्रोकर। फाइनेंस ब्रोकर ने यह नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को एडमिट भी किया है। इसके अलावा इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेज रिलेटिंग टू अनअकाउंटेड सेल्स एंड परचेजेस, difference in the stock, non-genuine unsecured loans and share application money bhi paya gaya. Further, document found from the entities of the group operating from the special economic zone indicating they are indulging in unfair practice for declaring higher profit from this unit as the income from this unit is eligible for exemption under section 10AA of the Income Tax Act 1961. तो यहाँ भी benefit वो लेते थे, सेज में भी deduction लेते थे यहाँ पर। इसके बाद search action का result ये हुआ कि 4 करोड़ का cash और 9 करोड़ की equivalent jewelry की value सीज किया गया। इसके अलावा undisclosed income more than 500 करोड़ डिटेक्ट हुआ, जिसमें से 72 करोड़ ग्रुप ने रेस्पेक्टिव ग्रुप ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को एडमिट भी कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर अंडर प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।